हेलो दोस्तों, मैं हूँ टर्टल यूट्यूबर। आज हम बात करने वाले टाइगर बार्ब फिश के कैर के बारे में कि इसकी कैर आप किस तरह कर सकते हैं। तो टाइगर बार्ब फिश एक बहुत अच्छी फिश होती है, जैसे ये तो एशिया से बिलोंग करती है, लेकिन ये एग्रेसिव भी होती है। अगर आप स्कूलिंग में इसको नहीं रखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगी और एकदम एक्सट्रीमली फिन निपिंग फिश होती है। तो आप गोल्ड फिश या फिर और अलग अलग मछलियों के साथ इसे मत रखिएगा, छोटी फिन वाली फिशेस के साथ ही इसको रखिएगा, जैसे नियॉन टेट्रा और बाकी सब। और अगर आप इसे ला रहे हैं तो ग्रुप में लाइएगा, कम से कम 6 या 7, क्योंकि ये एग्रेसिव होते तो इसलिए ज़रूरी है कि आप टैंक थोड़ी बड़ी रखें, 2 फीट का टैंक कम से कम रखें। और अगर आप उसमें इनको ग्रुप में रखेंगे तो काफ़ी हैप्पीली रह जाएंगे और सर्वाइव भी कर जाएंगी। और अगर आप इसे प्लांटेड एक्वेरियम में भी डालना चाहते हैं तो ये डाल सकते हैं आप इसे, ये कोई दिक्कत नहीं करेगी प्लांटेड एक्वेरियम में भी। बस थोड़ी पीसफुल टैंक मेट चुनिएगा, और जो फास्ट स्विमर हो, स्लो स्विमर्स बिल्कुल नहीं चलेंगे। गोल्ड फिश तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी क्योंकि उनके फिन्स बहुत बड़े होते हैं। और ये एक ट्रॉपिकल फिश है तो ज़रूरी है कि आप इसके साथ ट्रॉपिकल फिशेज ही रखें, कोल्ड वाटर फिशेज ना रखें। तो ट्रॉपिकल फिशेज है तो इसके लिए भी टेम्परेचर भी आपको हाई रखना पड़ेगा, जैसे 27 डिग्री तक तो आप रखिए ही, कम से कम 27 डिग्री तो ज़रूरी है। आइडियली इसका टेम्परेचर वही है जहाँ ये पाई जाती है। और फीडिंग की बात करें तो आप इसको छोटे पैलेट दे सकते हैं, नॉर्मल पैलेट्स भी दे सकते हैं, या फिर एक माइक्रो पैलेट करके आता है उसको भी दे सकते हैं फीडिंग। ये एक ऑमनिवर फिश है तो ये कुछ भी खा लेगी, नॉन वेज और वेज दोनों तरह के खाने खा सकती है। तो हफ्ते में आप इसको कुछ नॉन वेज भी दे दीजिए करिएगा, जैसे श्रिम। और नॉर्मली तो ये आप इसे फूड ही डालिएगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और साइज़ की बात करें तो इसका मैक्स साइज़ 3 या 4 इंच ही होता है, शायद ज़्यादा से ज़्यादा। और ये आइडली टैंक में 5 साल तक जी जाती है, तो अगर आप अच्छी केयर करेंगे तो ये 5 साल तक भी जी जाएगी। और इनकी ब्रीडिंग भी बहुत हार्ड नहीं होती, इनकी ब्रीडिंग ईजी होती है। और अगर आपको मेल फीमेल का पता करना है तो जो मेल होगा वो ज़्यादा कलरफुल होगा, उसके स्ट्रिप ज़्यादा डार्क होंगे। और प्लांट लगाने के लिए तो आप कोई भी प्लांट लगा सकते हैं क्योंकि ये प्लांटेड एक्वेरियम में भी रह जाएगी, कम्युनिटी फिश भी हो जाती है कभी कभी। तो आप इसको ग्रुप में रखेंगे तो ये एग्रेसिव नहीं होगी, नहीं तो यूजुअली ये एग्रेसिव हो जाती है छोटी मछलियों पे। तो अगर आप ग्रुप में रखेंगे तो एग्रेसिव नहीं होगी और बहुत पीसफुली रह जाएगी आपके टैंक में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।